यार मतलब सच में बहुत बड़ा है। और ऊपर दिखाओ ना, ऊपर दिखाओ। एक वो भी है, वो कौन? ऑस्ट्रिच ये कौन सा है यार? ये बच्चे ना एक्सट्रीम है। को मैं और ये देखो श्रेष्ठ होने वाला है गायब। ₹19 की बोतलें सर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। और आज है संडे और स्पेशल ये है कि श्रेष्ठ का कल रिजल्ट आया था और श्रेष्ठ ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। और मैंने कमिट किया था कि इसे अगर इसके अच्छे मार्क्स आएंगे तो मतलब मैं इसे कहाँ लेके जाऊँगा? मॉल। और मुझे आज लगा, और मुझे आज लगा था कि सैटरडे है। अच्छा, तो जब अभी मैं बाइक पे जाऊंगा तो मैं बाइक पे ब्लॉग नहीं करूंगा क्योंकि श्रेष्ठ बैठ रहा है पीछे। और मेरे घर से जस्ट 100 मीटर पे ही मतलब मॉल है, लेकिन श्रेष्ठ ने कहा मुझे बाइक पे जाना है तो ठीक है फिर बाइक से चलते हैं। वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर क्या क्या है। और आई होप आपको ये वीडियो, ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वहाँ पर ना बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं जो कि जनरली आपको हर किसी मॉल में देखने को नहीं मिलती। तो चलिए चलते हैं। तो गाड़ी हमने पार्क कर दी है, अब हम जा रहे हैं। मेरा सभी में A1 आया है और ये भी है कि 90 से कम मार्क्स नहीं आए हैं, 90 से कम मार्क्स। अरे यार, तो यहाँ से हमने अभी प्लान करा कि हम लोग बाहर से स्टार्ट, हम लोग बाहर से स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से झूले हैं क्योंकि इसे ना मतलब झूले झूले हैं अभी। तो हमारा प्लान है कि छोटे छोटे झूले झूले में, और मेरा भी प्लान है कि देखो पहले तो बहुत से झूले लगे हैं लेकिन अभी मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ तो मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो बेसिकली हम ट्रैम्पोलिन में जाएंगे तो अभी ये तो झूले के लिए भी सेम है तो वही करूँगा। तो ट्रैम्पोलिन में जाना है तो पहले हम लोग बाहर से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या आगे लिफ्ट है और लिफ्ट के बाद हम लोग ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमने एंट्री ली थी अपनी और इधर था पार्किंग और ये आपको मॉल दिखाता हूँ अभी नहीं बेबी। यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स अवेलेबल होंगे और यहाँ से फिलहाल हम लोग जाएंगे अंदर क्योंकि पार्क करके हमें वापस ऊपर आना था। ड्रीम वर्ल्ड इसमें अभी तक जो मुझे पता है ये इतना ही पता है कि इसमें ना तीन थीम पार्क्स होते हैं। पहला है अमेज़न जंगल, दूसरा पिरामिड और तीसरा है नहीं इधर बाहर आपको छोटे छोटे शॉप्स मिल जाते हैं, स्टॉल्स। और श्रेष्ठ का जो मेन वो था गेम वो फिलहाल बंद है क्योंकि हम लोग दोपहर आए हैं और इन्होंने बताया कि ये थोड़ा लेट खुलता है। तो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कौन कौन से गेम्स हैं। मैं ये नहीं झूल रहा, मैं इधर आओ। श्रेष्ठ ये सारा भी बंद है, मतलब ये शाम को स्टार्ट होता है। अरे यार दोस्तों यहाँ पर ही मिलेंगे आपको डायनासोर के स्टैचूज बहुत सारे। ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना ये टी रेक्स जिसका असली नाम है टायरोसॉरस रेक्स। और एक दूसरा वाला यहाँ पर और ये बहुत खतरनाक होते थे और ये बहुत खतरनाक होते ये मैं आपको फर्स्ट फ्लोर से जाके भी दिखाऊंगा। ऑस्ट्रिच ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये तो पॉइजन फेंक रहा है, मजाक कर रहा हूँ। ये डायनासोर पॉइजन तो बिल्कुल नहीं फेंक। ये बच्चा है, बाकी बड़े हैं। देखो इसका पूंछ कितना बड़ा है और इसका फेस है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाके वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा।
बाकी ये जो पत्ते हैं ये नॉर्मल नेचुरल। फिर हम जाएंगे थीम पार्क। यार मतलब सच में बहुत बड़े हैं ये। मतलब यहाँ पर है पूछ इसकी भाई साहब, और पूछ ना किसी ने तोड़ रखा है यहाँ पर, ये देखो, और पूरा बहुत बड़ा है। और एक और डायनासोर है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। और ये जो है ना, ये जो इस एग से निकले वाले के ठीक ठीक बिसाइड है, उसे कहते हैं ट्रायसेरोटॉप्स। ओके, ये देखो नाम तो मुझे इनके पता नहीं है, ये श्रेष्ठ बताएगा आपको। और ये है डायनासोर का अंडा, ये तो मुझे भी नहीं। और इसमें क्या सरप्राइज है वो किसी को नहीं पता। और एक छोटा सा ये तो बिल्कुल स्टोन से भरा है, ये तो मुझे इसका वो लग रहा है, बेबी लग रहा है। इसके दांत कैसे हैं? मुंह पे लिख दो, इसके दांत दिखाओ। इसके दांत ये दिखाता हूँ। आप किधर है? तो दोस्तों वो तो फिलहाल अभी एक्टिव नहीं था, वो कह रहे थे हाफ एन आवर बाद आने के लिए। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, यहाँ पे मसाजर चेयर है, नहीं अगर और 3D करना आपको करना ही है, 3D वाला नहीं करना, ये ले लो, पहले खेल लें फिर उसके बाद कर लें। आइसक्रीम ले लेते भाई। हैं भाई, तो फिर आइसक्रीम खा के फिर आप क्रम्पलेन में कैसे जाओगे? वैसे बात तो सही है कि पहले आप सभी को कट कर देना। मॉल तो मॉल अच्छा लग रहा है आपको? हाँ? मॉल अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। और इस बार और इस वाले में भी मैं बता रहा हूँ कि 30 जून तक करा लेना, वरना डेडलाइन तो आपको ऑलमोस्ट सारे रेमंड्स हो गया, ड्यूक हो गया, श्री राम एंड सन, सारे आपको ब्रांड्स अवेलेबल होंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं। और वैसे उधर देखो ना, ऐसे हेयर स्टाइल दिखाते हैं ना, ऐसे करते नहीं है, नहीं करते है। ओके चलो, हमने सोचा है कि पहले तो हम बंजी जंपिंग करेंगे और फिर ट्रैम्पोलिन पे जाएंगे। तो बंजी जंपिंग में ना ये आपको बहुत अच्छा लगेगा लगता है, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जब मैं ऊपर जाता हूँ ना, मैं जैसे अगर देखो उसने ऐसे रस्सी को पकड़ा देते, तो जब ऊपर जाते हैं ना ऐसा होता है, एग्जरेटिंग फीलिंग होती है। और वो आपको तब भी फील होगा जब आप पैराग्लाइडिंग करेंगे, लेकिन उसका सेफ वर्जन है। तो जो ही आपको समझा रहा है आपके समझ में नहीं आने वाला, तो मैं फिलहाल बंजी जंपिंग के पास जा रहा हूँ और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। तो गाइस मैं आपको अपने स्प्रिंट दिखाऊंगा। देखो अभी मुझे रियली तो नहीं पता स्प्रिंट क्या है, पर दोस्तों एक आपका एडवेंचर पार्क यहाँ पे मिलता है, दिखाता हूँ। इतने दिनों के बाद भी आप भूल गए, ऐसे बहुत दिन तो हो गए, लेकिन तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत टाइम बाद आया हूँ, तो और अभी बंजी जंपिंग बंद है, वो भी हाफ एन आवर ही कह रहा है, मतलब हम थोड़ा जल्दी आ गए आज, है ना। तो अभी फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ जो डायनासोर थे ना उसके फेसेस दिखाता हूँ, उसका तो हम वहीं से पहुँचेंगे ट्रैम्पोलिन पार्क में, भी वो खुला होगा। तो अब हम आ चुके हैं सेकेंड फ्लोर पर, और ये देखो ये है ऊपर से व्यू, मतलब आपको ना नेचर वाला फील आने वाला है कि ऐसा है पार्क। मैं आपको पास लेके, अच्छा ठीक है, करो ये नहीं हुआ, वो शाबाश। तो इधर है, मैं आपको साइड से दिखा दूँ,
क्या हाल है? तो यार ऊपर आने के बाद ही मतलब इसके इसका हाइट कितना ज्यादा है ये देखो, मैं आपको और पास से दिखाता हूँ। ओम ये रियल लाइफ फेक नहीं है, जो सबको पता है पिजन ओरिजिनल है। हां मुंडी मारी। अभी कौन सा डिस्टेंस होना कितना जाए टूटेगा? अरे यार थोड़ा सा डिस्टेंस मतलब सच में बहुत बड़ा है। और ऊपर दिखाओ ना, ऊपर दिखाओ। एक वो भी है, वो कौन सा डांसर बेबी? उड़ने वाला। मुझे लगता है कि फेदर्स नहीं होते हैं क्योंकि अभी आप इसके यहाँ के टेक्सचर से देख पा रहे हैं, लेकिन अब आपको पता है कि जो भी ये बिल्ड होते हैं वो रियल तो होते नहीं है। नहीं होते। और अभी दूर रहो। हाँ दूर ही हूँ। लेकिन टेक्सचर को रियल करने के लिए ऐसे ऐसे बना देते हैं। तो ये है बाकी इधर पूरा एरिया दे रखा है, आप आराम से यहाँ पे ना मतलब बैठ सकते हैं या फिर फोटो क्लिक करवा सकते हैं। तो अभी चलते हैं। उधर है एवीजे हाइट्स और इधर है ऊपर शॉपर स्टॉप का सेकंड फ्लोर। हाँ। तो हमें जाना है अभी इस साइड। फिर हम लेंगे एक एक्सेलेरेटर क्योंकि जाएगा ट्रैम्पोलिन वाले पे। यस कूदेंगे। यार बहुत अच्छा मॉल है वैसे साफ सफाई के मामले में। और इतनी साफ सफाई हुई है और इतनी साफ सफाई हुई है, ये सोचो मत कि मैं स्प्रिंट कर सकता हूँ, लास्ट में तो मैं स्लिप भी कर सकता हूँ। तो बात करूँ साफ सफाई की ना, तो यहाँ भी बहुत साफ सफाई है, मतलब बेस्ट क्वालिटी है ना। और श्रेष्ठ तो हमारे तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं ट्रैम्पोलिन पे और ये पूरा प्ले एरिया है। और ऊपर आपको सारे ना रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, जैसे बारबेक्यू नेशन हो गया आपका, शेक्स हो गया, सागर रत्ना हो गया, बर्कोज हो गया, ये सारे हैं। आगे पीवीआर है या फिर ओमेक्स है पता नहीं। और यहाँ पर है ट्रैम्पोलिन पार्क और यहाँ से हमें लेना है टिकट। तो यहाँ से हमने ले लिया टिकट और इन्होंने दिया है बैंक। मैम क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शाहिस्ता। सॉरी शाहिस्ता मैम है, उन्होंने हमें टिकट दे दिया है और ये बैंड है और यहाँ से हमें जाना है अंदर। अच्छा ये टिकट है सॉरी। और यहाँ पर ना आप जनरली जैसे बर्थडे पार्टी हो गया या फिर आप बच्चों का छोटा मोटा इवेंट है आप यहाँ पे कर सकते हैं। वो मैं दिखाऊंगा, पहले हमें यहाँ पर अपने शूज रिमूव करने हैं, उसके बाद हम लोग ये टिकट लेके आगे जाएंगे। तो अभी हम लोग बांध रहे हैं बैंड, उसके बाद जाएंगे अंदर। और पता है अभी ऑलमोस्ट क्या है बाबू? ऑलमोस्ट खाली है ना। और ये है आपका ट्रैम्पोलिन एरिया, श्रेष्ठ स्टार्ट हो गया है। और इधर है इसमें ना जंप करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा करके। और इधर श्रेष्ठ एक बार जाना है इधर, बाकी जाओ इस पे जंप करते हुए जाओ। तो यहाँ पर ऐसा है और ये कोने तक है, मैं आपको आगे भी लेके जाऊँगा, ऊपर का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ऐसा है। और इधर से यार आपको ताजमहल का भी व्यू मिलता है, मतलब ये वाला। ऐसा मैं आपको अभी क्लियर दिखाऊंगा, ऐसा तो ये है, ये तो रेडी तैयार है अपने एक्शन में। फिलहाल मैं तो नहीं झूलने वाला क्योंकि मैं इसको स्पेशली ये कपड़े पहना के लाया ताकि इसे जंप करने में दिक्कत ना हो, बट मैं गलत कपड़ों में आ गया, मतलब जीन्स में आ गया हूँ, तो मैं तो नहीं कूदने वाला। ये देखो ओए वापस आओ और आपको श्रेष्ठ कूद के दिखाएंगे इसमें। 1 2 3 गो। वाओ
यार मुझे तो इसमें डर लगता है मतलब ये लो। तो ये है, ये एरिया भी फिलहाल खाली है। और श्रेष्ठ इस बार इस पर जम करके दिखाना, सामने रन करके जाएंगे जाना। ओए तो ये मैं इसके ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ वीडियो बना के कैसा होता है, देखो। ओ भाई, ओ भाई साहब, मतलब बहुत जंपी है, बहुत जंपी है, मतलब बहुत जंप हो रहा है इस पे। अभी मेरे पास की नहीं, अभी मैं आपको, हाँ मैं आपको लेके चलता हूँ ताजमहल के पास वापस। तो फिलहाल नीचे चल रही है सफाई, ये पूरा है, और इधर है अपना ताजमहल। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, और इधर है सिटिंग के लिए कि मतलब आप बैठ के यहाँ पर आराम से अपना ऑर्डर करके खाना वाना खा सकते हैं। मिलने के लिए मैंने एक घंटे का टाइम का टिकट लिया है, तो 1 आवर का टाइम का है यहाँ पर 450, और अगर आप आधे घंटे का लेते हो तो उसका है 300 था ना, 300 था, तो 1 आवर का 450 है, और हाफ एन आवर का 300। और साथ ही मैं ना इसके बॉल वाला भी सेक्शन है, क्या बोलते भाई उसे, बॉल वाले सेक्शन क्या बोलते हैं, बॉल सी है, उसमें बहुत सारे बॉल ही बॉल हैं, और बहुत सारे उसमें भी बॉल से रिलेटेड गेम्स हैं, तो मैं वहाँ भी आपको लेके चलूँगा, और वहाँ का भी दिखाऊँगा वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। तो चलो, अच्छा, और देखिए बहुत सारे बच्चे आ गए यहाँ पर। और सारे ना बंदरों की तरह स्टार्ट हो गए, ये तो गोली हो गया उधर अपना। ओए हेलो 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 बेबी, हेलो बेबी, सारे मार गए इसको। ये बच्चे ना एक्सट्रीम है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ज्यादा वेट के लिए, और इधर है नॉर्मल लाइट वेट्स के लिए। अरे रुको, भाग कर रहा हूँ चलो। हाँ तो हेलो, तो गाइस अब आप देख सकते हैं इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि ट्रैम्पोलिन रन्स कितनी ओवर पावर होती है। अब ये देखो, 1 2 3 गो। ओए तो आपको आकाश में करके दिखाएंगे ट्रैम्पोलिन पर, तो ये कुछ ट्रिक होता होगा इनका। नहीं दे रहा 21 जून पे मेरा बर्थडे। यार पहले मुझे लगा ना बहुत बोरिंग होने वाला है, क्योंकि मैं बैठने वाला हूँ सर, लेकिन बच्चे आ गए थे सारे। और एक ने अभी जस्ट देखा होगा आपने, देखो ये फूल सा बच्चा पहाड़ से आदमी को नीचे गिराना चाह रहा है यहाँ पर, मतलब ये देखो। अब ये सब धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं गिर जाऊंगा।
और भाई ये तो बड़ा खतरनाक हो गया। और दोस्तों गैस करो कहाँ फंस गया यार, ये तो उठा भी नहीं जा रहा। अब पहला शत्रु पकड़ लिया मैंने। अब पहले शत्रु को मैं तो हम जा रहे कहाँ पे? बॉल पूल में। बॉल पूल में चलो भाई। और इधर है दोस्तों बॉल पूल और बॉल से पता क्या बोलते हैं मुझे तो। और ये देखो पहुंचे हम लोग ताजमहल के ऊपर, कुछ ऐसा है ताजमहल। ये उस साइड का एरिया जहाँ से मैंने आपको पहले वीडियो दिखाया था, ये है ताजमहल का अपर और ये है बिल्कुल मिड में। यस गुड बॉय शेरू आ जाओ। और मैं अगर बॉल्स की क्वांटिटी दिखाऊँ ना तो मतलब सच में यार बहुत सारे बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना हटाने के बाद भी ना नीचे का नहीं दिखता, मतलब ये है। तो सेफ्टी पर्पज से भी ठीक है, और सारा ना बॉल ही बॉल भरा हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कई बॉल वाले पॉन्ड में ना मतलब छोटे वाले उसमें आके बैठे हुए हम लोग। चलो बैठो बैठो बैठो। लेक बाबू सही से बैठो ना, जैसे बैठते हैं। अब इस गेम को ऐसे खेलना था, राउंड कर करके आपको नीचे 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 वाओ 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 कम 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये भाई साहब बोले इसका क्या नाम है? युवांग। युवांग हेलो युवांग कर देता हूँ बेटा अभी। तो ये यहाँ पे बेसिकली बच्चों के लिए झूले हैं। बेबी इसको क्या बोलते हैं? राउंड 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 जो भी है। एक दो उधर है और यही सारा काम सकता है मतलब। तो आप यहाँ पे ना बॉल फाइट भी कर सकते हो, है ना बेबी? लोग बॉल फाइट कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। ये देखो सबने लोड कर रखा है। और ये देखो ओ ये गिर गया। और ये देखो श्रेष्ठ होने वाला है गायब। तो इतने सारे बॉल्स हैं यहाँ पर, एक हमारे यहाँ पर भाई रेस्ट कर रहे हैं। दोबारा बोलो सुनने में जिसको ट्रैम्पोलिन पे जाने आ जाओ। भाई और भी आते जो टॉफी ले ले जोर से जोर से। अरे ले ले टॉफी ले ले। उस वाले पे चलें? उस वाले पे चलो चलो। नहीं तो ये यार नहीं जाओ पहले गिरा देगा। अच्छा मुझे गिरा देगा? खोल दो ले 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 टॉफी ले ले ले। तो ये यार इन बच्चों ने ना अभी ये मुझे वापस मुझे पता है क्या करने वाले, इन्होंने पहले यहाँ से बार बार मुझे धकेल के ले आए और यहाँ से मुझे नीचे अब मुझे गिरना पड़ेगा ड्रामे के लिए। बोलो कुछ बोलना है। हेलो गाइस वेलकम टू आवर न्यू चैनल। नो 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 ये मेरा कोई नया चैनल नहीं है, ये चैनल पहले से ही है। तो क्या नाम है आपका? हैरी। ओए हैरी हैरी और हैरी ना बहुत बहुत हैरी पॉटर हैरी पॉटर जिंदगी में है। देखो तो अगर आपको हैरी सच में हैरी पॉटर देखना है तो भाई को देख लेना। और ये बहुत ही स्ट्रांग बच्चा है ना? हां चलो अभी। और एक और है वहां पर बॉय जंप जंप कम आप मुझे
क्या नाम है आपका? क्या नाम आपका? यार एक तो गायब हो गया, कहाँ गया ये रहा? निकालो निकाल दे। हेलो गाइस, उसको हेल्प करने के लिए लाइक कर लो। ओ भाई साहब, ये कह रहा है मुझे निकालने के लिए लाइक करे। और हम सबको निकालने के लिए सब्सक्राइब और वो घंटा भी बजा देना। ओ भाई, ये बच्चे बड़े होने के लिए ना मतलब यार ये पहले की वीडियो है। बाय गाइस, बाय गाइस, प्लीज हमें लाइक सब्सक्राइब और भाई उस घंटा को बचा दो, क्योंकि हम डूब रहे हैं। और क्योंकि हम डूब रहे हैं, बचाओ देंगे। बर्गर खाने आएंगे वो लोग भी। बेबी अच्छे बच्चे थे ना सारे, है ना, क्यूट क्यूट से थे बहुत। इधर लिप्स हैं और इधर आइनॉक्स है। सॉरी, मैंने आपको तब बोला था पी आर इनॉक्स। अच्छा, इनॉक्स आइनॉक्स जो भी है। और इधर है बर्गर किंग। है पक्का? तो अभी हमने वेज हॉपर एक और बी के वेजी, मतलब एक है आपका 161 वाला, 161 वाला है, और एक सॉरी 189 कुछ का है, और एक है 199 का। और ये वेज हॉपर मतलब 281 का कुछ दे रहा था पेप्सी मिल के साथ। तो हमने बोला कि ये दोनों खा लेते हैं, पेप्सी तो हम लोग नीचे जाके पी लेंगे, है ना श्रेष्ठ? आइडिया सही है। इधर देखो, तो ये हमने पैसे बचा लिए इधर। तो ऑर्डर ले आए हम लोग और श्रेष्ठ कर रहा है अपना ओपन। अच्छा, मेरे में से एक बाइट लोगे आप? ठीक है। अच्छा, मैं आपके लिए फाड़ रहा हूँ, लेकिन बस श्रेष्ठ इसे नीचे रखो। एक बाइट मुझे बस लगाने दो। ये देखो, मतलब पूरा हाथ गंदा कर लिया इसने खाते खाते। कैसा लग रहा है बेबी आपको? अच्छा। तो ये निकल गए हम लोग बर्गर किंग से। और कि मेरा पेट भर जाएगा, एक भर गया था ना पेट आपका? यस। तो अब हम चले वापस पार्किंग की तरफ, लेकिन और वहाँ से हम लोग निकलेंगे घर के लिए। अच्छा, लालची बच्चा। और ये है इस मॉल का मेन अट्रैक्शन, गंगनम कैरोके। तो मैं इसके अंदर नहीं गया कभी फिलहाल, बट जाऊँगा। और अंदर से फिलहाल ये ऐसा दिखता है। क्या देख रहे हो? आईपैड यहाँ पे। नहीं बताऊंगा कहाँ है। ओ भाई साहब, बोतल का पहाड़।
19 रुपए की बोतलें सर। तो दोस्तों अगर आपको सस्ती बोतलें चाहिए ना तो आप आ जाना इधर। सुरेश मम्मी जाएंगे तो ले लेंगे, छोड़ दो सर रख दो उसको। और ये रहा चीज। चलते हैं। और अभी जब लोग आए थे ना थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर बिल्कुल खाली पड़ा था, है ना श्रेष्ठ? और अभी मैं आपको दिखा दूँ कितना कितने लोग आ गए यहाँ पर। ये देखो दोस्तों, मतलब ये तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखा, इससे भी कम बाइकें थी तब जब आए थे, क्योंकि उस टाइम लास्ट बाइक मेरी लगी हुई थी, है ना? और अब देखो मतलब हमें ऑलमोस्ट 2-3 घंटे हुए। कहाँ है बाइक, कहें? अरे पहचान लिया, तो चलो चलते हैं। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं मॉल के बाहर, और श्रीश को थोड़ी देर अभी पार्क में बैठा था तो बैठ के फिर हम लोग निकलेंगे। और इसको चाहिए अभी और एक आइसक्रीम, मतलब इसके डिमांड ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो इसके बाद हम लोग सीधा पहुंचेंगे घर। तो मैं आपको मौसम दिखाऊं, मौसम है बिल्कुल मस्त, है ना? 4 दिन से यहाँ नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, बात आपको पता ही होगा आप लोग रहते होंगे। और बात करें इस मॉल का, तो ये मॉल है बीटा 2 के मार्केट में, बीटा 2 का जो बैक साइड वाला एरिया है वहाँ पर है। और इस मॉल का नाम है कैनॉट प्लेस मॉल, कैनॉट प्लेस मॉल बेसिकली कैनॉट ओमैक्स ग्रैंड, तो वही मॉल का हुआ है ना नाम, तो इसका हुआ है कैनॉट प्लेस ही है, ठीक है? और ये मॉल है फेमस अपने डायनासोर के स्टैचूज के लिए, और साथ ही साथ इसमें ऊपर का जो आपका प्ले एरिया है वो भी बहुत अच्छा है इसका, और बहुत बड़ा भी है। और अगर आप क्लीननेस की बात करो तो श्रेष्ठ से पूछते हैं कैसा लगा आपको? क्योंकि पहले तो मुझे भागना होता है और वो भी बहुत, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग, और वो भी बहुत स्लिपरी होता है, और अगर वो स्लिपरी नहीं है तो वो जो ऐसे तो चलिए यहाँ से हम लोग निकलते हैं और पहुँचते सीधा घर। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस साइड रहते हो तो आप जरूर अपने फैमिली को या फिर ऐसे शरारती बच्चों को यहाँ पर लेके आए, क्योंकि उनका टाइम बहुत आसानी से यहाँ पर स्पेंड हो जाएगा। साथ ही साथ आपको खाने के अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं ऊपर। तो यही था आज का ब्लॉग। वैसे अभी बता रहा हूँ कि जो आइनॉक्स जो भी बोलो उसे, उसके पास ना बर्गर किंग है, तो वहाँ पे खा लेना। तो आई होप, चलिए फिनिश करते हैं इस ब्लॉग को। और अगर आप नियर बाय रहते हैं तो आप जरूर अपने बच्चों के साथ आना, अपने फैमिली के साथ आना, आपको ये प्लेस जरूर बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए टाटा, और आप फटाफट मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ और सबके साथ शेयर करें, ताकि अगर उनके बच्चे भी घूमना चाहते हैं तो वो इस जगह पर आ सकते हैं।